والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذی قدر سامعین अज दा ए प्रोग्राम दस्तारबंदी और तकसीमे असनाद दा प्रोग्राम है। मेरे जिम्मे कुरान मजीद दे मुतालिक चंद गल्लां पेश करन दे बारे हुक्म होया है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला। भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान नू पैदा फरमावन दे बाद इंसान दी फलाह वास्ते कामयाबी वास्ते इंसान दी फलाह और कामयाबी वास्ते खुद ही इंतजाम फरमाए और बिलखसूस अल्लाह ने दो चीजों का इंतजाम किया। एक चीज ओ अंबियाए कराम अलैहिम सलातो व सलाम दा एक तवील सिलसिला है और फिर अंबियाए कराम अलैहिम सलातो व सलाम दे नाल नाल आसमानी किताबां ते सहीफियां दा भी अल्लाह ने एक सिलसिला जारी फरमाया। अल्लाह दे अहकामात या ते अल्लाह दियां किताबां दे जरिए पहुंचे या पैगंबरां दे खिताबां दे जरिए पहुंचे और हर दौर दे अंदर वो लोग कामयाब होए जिन्होंने अल्लाह दी किताब नू भी मनिया ते अल्लाह दे नबी दे खिताब नू भी मनिया और हर दौर दे अंदर रुसवा और जलील और बर्बाद वो बंदे होए जिन्होंने वक्त दे नबी दी गल और खिताब नू भी ठुकरा दिता ते अल्लाह दी किताब नू भी ठुकरा दिता। भाइयों,
आखिर ते साडे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु खुले दिल नाल पढ़ो अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद है। को मेरी शान नहीं नबी दी शान है, खुले दिल नाल पढ़ना चाहिए। आखिर ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अल्लाह दे पाक पैगंबर ने लोगों नू जिस किताब दी तबलीग कीती है, जिस किताब दी तौजीह कीती है, जिस किताब दी तशरीह कीती है, ओ किताब छड़ी किताब नहीं, ओ किताब महज किताब नहीं, बल्कि ओ किताब अल्लाह दा खिताब ते अल्लाह दा कलाम है। और मेरे भाइयों इस किताब दे जरिए नाल अल्लाह ने बहुत सारिया कौमां नू कामयाब कर दिता ते अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंचा दिता। और इसे किताब दी वजह तो बहुत सारे लोगों नू अल्लाह ने जलीलो खुआर कर दिता ते बर्बाद कर दिता। तुहाडे वास्ते भी और मेरे वास्ते भी वही फार्मूला है जरा कुरान ने बयान किया है, नबी सोने की जबान ने बयान किया है कि कुरान की वजह नाल बंदा इज्जत भी पा सकता है ते कुरान की वजह तो बंदा जलील भी हो सकता है। ये अल्लाह का कुरान शाहिद है और इस बात ते कुरान दलालत करता है, वजाहत करता है इस गल की, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। लोगों सुनो, इसे कुरान दी वजह तो कुछ लोगों ने अल्लाह ने जलील चकीता है जो उन्हें कुरान दी कदर नहीं कीती। और इसे कुरान दी वजह तो वयहदी भी कसीरा, वयहदी बिल कुरान कसीरा, बहुत सारे लोगों ने अल्लाह ने कुरान के जरिए हिदायत अता फरमाई है। भाइयों ज़हन दे अंदर एक गल रखो कि तुहाडी मेरी कामयाबी दा राज अगर मुजमर है तो वह इस अल्लाह दे कुरान दे अंदर है। और इस कुरान दे मुतालिक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी मिलदी जुलदी गल फरमाई और फरमाया इन्नल्लाह यरफाउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़ाउ बिही आखरीन औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों इस कुरान दी वजह तो अल्लाह ने कई लोगों नू जलील च कीता ते कई लोगों नू अल्लाह इज्जत अता फरमा दितियां। और भाइयों याद रखो अज साडा ए दौर और ए मुआशरा और सोसाइटी इस वक्त हर बंदा परेशान है, सरगर्दान है, हैरान है भाई यार ना अमन है, ना सुकून है, ना इत्मीनान है, ना तसल्ली है, ना राहत है, ना इत्मीनान कल है, कुछ भी नहीं है। हर बंदा परेशान है। क्यों परेशान है? उसकी वजह यह है कि इस कुरान नू छोड़ दिता है, कुरान ते अमल करना छोड़ दिता है। अल्लामा इकबाल ताई ते आख्या है वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए, जलील हुए, तारे के कुरान होगा। कुरान छोड़े ते उम्मत जलील होना शुरू हो गई, वरना इयो जई उम्मत अल्लाह ने सारी उम्मत नालो बेहतर उम्मत अल्लाह ने बनाई है, इयो जई उम्मत अल्लाह ने और कोई नहीं बनाई। उम्मत दी इज्जत इसे कुरान है और कुरान छोड़ के उम्मत दी जिल्लत मुकद्दर बनवे दी। अल्लाह अकबर जी। कुरान मजीद दा ए जेरा अल्लाह ने सानू दिते है, इस कुरान दा पहला हक कि यार इस कुरान नो असा किस तरीके नाल इस दी हक अदाई कर सकते हैं। तो याद रखो पहली जिम्मेदारी बंदे आंदी है कि बंदे कुरान उन्हें पढ़न जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, उन्हें करके कुरान नू पढ़न। और ईमानदारी दी गल है भाई अगर सहाबा इकराम का मुतालिया करो, उन्हां दी जिंदगियां देखो, उन्हां दे लैलो नहार देखो ते तुसी हैरान हो जाओगे कि उन्हां कुरान नाल इंज वफा कीती है
इंज वफा की जिन्ह कुरान नाल वफा करने का हक है। जाना कुर्बान चा की लेकिन कुरान हथों नहीं जावर दिता, लहू लुहान हो गए, जख्मी हो गए। हत्ता के एक मौके थे अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गजबे तो वापस आ रहे हैं। रास्ते ते एक जगह ते पड़ाव कीता, दो सहाबा नू अल्लाह दे नबी ने फरमाया, ओ मेरा साबी अम्मार बिन यासिर अखो रजी अल्लाह ताला नो, और दूसरा साहबी हजरत अब्बाद बिन बिशर रजी अल्लाह ताला नो। ए दो साहबीन अल्लाह दे नबी ने फरमाया इंज करो, रात दा वक्त है और ए जरा दरा बनदा है दो पहाड़ियां दे दरमियान ते उत्ते चौकी जई बनदी है, इत्थे जाके पहरा देओ ताकि कोई दुश्मन वगैरह उस पासे टप के आके हमला ना कर जाए। एक साहबी है मक्की है मुहाजिरे और दूसरा साहबी अंसारी है, दोनों अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गल मन के चले गए चोटी ते। उस दरे दे अंदर जाके उन्होंने आपस दे अंदर तय कीता, यार इंज कर दे आ दोनों पूरी रात ना जाग दे, रात दा कुछ हिस्सा मैं जाग लेंदा ते बद तू सो ले, थोड़ी देर बाद तू उठ जाना ते मैं सो लेंगा ते तू जाग लेना। आपस दे अंदर तय हो गया। हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी चाही, जो पहले मैं जागने ते तू सो जा, अद्धी रात दे बाद तेनू जगा देंगा, तू उठ जाना ते मैं सो जाऊंगा। हुण रात दी तराई है, दो कल्ले बंदे ने, एक बंदा सो गया अब्बाद बिन बिशर रजी अल्लाह ताला नो, अम्मार बिन यासिर खड़ा हो गया। दिल दे अंदर ख्याल आए यार इंज वक्त गुजारने, चलो इंज कर दिया नवाफिल दे अंदर खड़े हो के अल्लाह दा कुरान दी तिलावत करे ना। ये जोक जोक दी गल है ना। साडा होंदा अज दा कोई मुसलमान होंदा तौही दी दोस्त होंदा तौही दी भाई होंदा, जेब चो मोबाइल कढ़िया, यार मैं दो घंटे या तीन घंटे रात पैरा देवणा, फेसबुक खोल लो, सोशल मीडिया खोल लो, फलानी चीज़ मूवियां वेखन लग जाओ, ड्रामा वेखदिया वेखदिया साडा वो टाइम गुजरिया। लेकिन कुरबान जावा अल्लाह दे पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरबियत तो उन्होंने ऐसी तरबियत की थी कि अल्लाह दे पाक पैगंबर दे साहबी वक्त जाए नहीं पै कर दे। साडा वक्त गुजर वेंदा दुनिया दी खराफात दे अंदर, दुनिया दे मजे लेवण दे अंदर, पर साहबी ने जिस वक्त डिठा यार ए मेरे कोल वक्त है ते फुरसत है ते मोहलत है, उसने के कीता नवाफिल नीयत बदली, नवाफिल दी नीयत बदली और अल्लाह दा कुरान पढ़ना शुरू हो गया। हालांकि अल्लाह दे तवज्जो नाल एक हदीस सुन लो, अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अली वसल्लम ने फरमाया, आ लोगो सुन लो, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह तुहानू बड़ी मजे दी गल दसा, अगर कोई बंदा तुहाडे विचों अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करेंदे, अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मल करा हरफम मिन किताबिल्लाह, जेरा एक भी हरफ अल्लाह दे कुरान दी आए तिलावत पिया करेंदे, फरमाया अल्लाह पाक उसनु हर हर हरफ दे बदले अल्लाह पाक एक एक नेकी देंदे, और एक नेकी दे बारे अल्लाह वादा कीता है कुरान दे अंदर, मल जा बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिया, जेरा तुहाडे विचों एक नेकी
अल्लाह दे दरबार दे अंदर लेके आएगा, अल्लाह उसनु एक दा बदला नहीं देगा, दस दा बदला ता करेगा। बड़ी गल है ना, एक हरफ पढ़े ते एक नेकी ते एक दा बदला दस गुना। क्या मतलब? एक हरफ पढ़े ते अल्लाह पाक दे नबी फरमाया दस नेकियां दा अजर पा लिया। और फिर होर मजे दी गल तुहानू मैं सुनावा, जेरा बंदा अल्लाह दा कुरान निमाज दे अंदर पढ़दा ते बैठ के पढ़दा, कयाम नहीं करेंदा खड़े हो के नहीं पढ़दा, बैठ के पढ़दा, नवाफिल बैठ के पढ़न दी रुखसत है। अगर बैठ के कुरान पढ़दा उसनो हर हर हरफ दे बदले अल्लाह पंजा पंजा नेकी देंदा। और मजे दी गल है तुहानू, और गल है फरमाया लोगो, तेरा बंदा अल्लाह दा कुरान नमाज दे अंदर पढ़दे ते ओ कुरान खड़े हो के पढ़दे, क़याम दी हालत दे अंदर खड़े हो के अल्लाह दा कुरान पढ़दे, अल्लाह पाक उसनु हर हर हरफ दे बदले सौ सौ नेकी अता करेंदे। अल्लाह भाईओ, इस वास्ते हर रकात दे अंदर कुल वल्ला वहद ना पढ़ी रखी करो, पढ़नी जायज है, कुरान है, मैं इनकार नहीं करदा, लेकिन जेरा हिस्सा तुहानु कुरान दा याद है ओ नवाफिल पढ़ो, नमाज पढ़ो, इसका बड़ा अजर ते बड़ा सवाब है। ज़ौक नाल लंबिया लंबिया रकातां पढ़निया चाहिदियां नमाज दियां। मुवाहिद बंदे दे हर हर अमल दी अल्लाह कीमत बनाइए, इस वास्ते अपनी नमाजा नूं तूल दियो ते लंबा करो तिलावतां दे नाल, ठीक है जी। बहरहाल इत्थे गल इहदा मौज़ू है ना नमाज वाला, फिलहाल तो कुरान की गल सुनो। अल्लाह अल्लाह दे पाक पैगंबर दा सच्चा यार अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला नो ओने नफलां दी नीयत बन लईए और कुरान दी तिलावत शुरू कर दिती। दुश्मन दी नज़र पो गई यार उत्ते, कोई हिलदा होया बंदा नज़र प्यांदा, उसने अंदाजे ते तीर मारिया, हजरत अम्मार बिन यासिर नू आके लग गया, उसनों तीर लगे, लेकिन अल्लाह दे कुरान दी तिलावत दे अंदर उसनु इतना मजा आया खड़ाई, उस तीर दी परवाह भी कोई ना कीती, तीर लगे है लेकिन कुरान दी लज्जत कुरान दा मजा तिलावत दा मजा इतना मजेदार आई, तीर दी परवाह कोई ना कीती, तीर छिके है ते सुट दिता है और अपनी निमाज नु जारी रखे है। दुश्मन ने होर तीर मारे होर तीर मारे, उस साबी दे जिस्म दे अंदर तीर लगदे रहे पर उस तीर बर्दाश्त कीते, पर अल्लाह दे कुरान दी तिलावत नु नहीं छोड़ा। आज तुसां ते मैं भी इंजीनियर हां, एक चिउंटी होंदी ना चिउंटी, ओ आके पैर ते चक चपाए दौरान नमाज, सीधी सीधी गल दसो साडी की पोजीशन होंदी है, हैं असाड़ियां भी नमाजां ते असाड़ियां भी तिलावत। और जेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरबियत याफ्ता हजरात हैं, उन्हां दी हालत देखो। उस बंदे ने जिस वक्त डिठा है भाई बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया, ते उसने थोड़ी देर के बाद नमाज मुकम्मल की थी सलाम, उस वक्त ये मसला कोई नहीं आया, हुक्म कोई नहीं आया भाई खून बह जाए तो वुज़ू टूट जाता है। बहरहाल उस वक्त उस सहाबी ने जिस वक्त नमाज नु फिर मुकम्मल किया, सलाम फेरिया, नाल वाले बंदे नु जगाया, उस डिठा तो हैरान हो गया, उस आखा अल्लाह दे बंदे आ तैं दसिया क्यों नहीं मैनू, उस आखा जी मैं इस वास्ते नहीं दसिया जो मैं सूरत कहफ की तिलावत पिया कर दाम, मेरा दिल नहीं चाहता जो सूरत कहफ नु दरम्यान जो छोड़ देव ते मैं तेनू जगांदा रहा, नहीं मैं आख्या कुरान दी सूरत मुकम्मल हो सी ते ता जाके मैं सलाम फेर सा। भाइयो कुरान दियां बड़ियां फजीलतां न, कुरान दे बड़े हक न, कुरान दी वजह तो साड़ियां बड़ियां जिम्मेदारियां न। अज ना असा कुरान पढ़दे आं, ना असा कुरान पढ़न वालेयां नू पसंद करेंदे आं, अल्लाह दा वास्ते आ मुसलमाना
कुरान वालेयां दी इज्जत कीती कर, कुरान वालेयां दी कदर कीती कर, ओ कुरान दी भी कदर कर, कुरान वालेयां दी भी कदर कर। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम अन उस्मान इब्ने अफान, हजरत उस्मान बिन अफान नकल कर देन, अल्लाह दे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, ओ लोगो सुन लो तुहाडे विचों पैसे वाला ज्यादा उच्चा कोई नहीं, आला बंदा कोई नहीं, ओहदियां वाला उच्चा बंदा कोई नहीं, पोस्टां वाला ज्यादा उच्चा बंदा कोई नहीं, नौकरा ते चाकरा वाला बंदा उच्चा कोई नहीं, वजीर आजम उच्चा कोई नहीं, वजीर आला उच्चा कोई नहीं, मुल्क दा प्रेसिडेंट एडा उच्चा कोई नहीं, या रसूल अल्लाह वद कौन उच्चा है। फरमाया तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, ओ जेरा चटाई ते बैठ के अल्लाह दा कुरान पिया पढ़ेंदा है या पढ़दा है, वो सब तो उच्चा। अल्लाह हेगे तुहाडी मेरी सोच, साडी तुहाडी सोच है महदूद, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सोच है बड़ी वसी। और फिर नबी अलैहि सलाम अपनी मर्जी नाल ते गल करदे नहीं, नबी अलैहि सलाम जेरी भी गल कर देन, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू यूहा, ओ जेरा अल्लाह वही करेंदा नबी सोने तो ऊ अल्फाज इरशाद फरमेंदे न, नबी दी गल समझो अल्लाह दी गल है, अल्लाह पे आदा है सब नालों उच्चा ते आला बंदा ओ है जेरा कुरान पढ़ाए या पढ़ावे। अल्लाह आज साड़ी पोजीशन भाईओ ए है भई असा तमाम तर सलाहियतां, तमाम तर सलाहियतां जेरियां साढ़े अंदर मसला भाईओ, तवज्जो नाल गल सुनो, साडा कोई बच्चा ज्यादा टैलेंटेड है या ज्यादा जहीन है, ए पुत्र नू मैं डॉक्टर बनाना है, ये बच्चा बड़ा जहीन है इसनू मैं डॉक्टर बनाना है, ये होंदी है सोच के नहीं है साड़ी, ओ यार बोलो तो सही, तुसा तो खाली सुनना ना ले, मैं हूँ ही बयान पे करना वत कुनिया जुम्मा ही पढ़ावना है, रात बद बयान करना है, तुसा तो बोलो कम अज़ कम यार ताई तो करो, साड़ी ये सोच है ना है भाई, जेरा जहीन बच्ची बच्चा है उसनू असा उच्चिया डिग्रियां दिलवावनियां, उसनू मेडिकल के शोबे च करना है, इंजीनियरिंग के शोबे च करना है, उसनू फलां करावना है, फलां काम करावना, मैं इतना पढ़ाना है, शौक होंदा है क्या? ये मुसलमान का इो सोच होना चाहिए भाई, मेरे बच्चा ज्यादा जहीन है उसनू ज्यादा अंग्रेज का गुलाम बनाओ, बल्कि मुसलमान की सोच होनी चाहिए ए बच्ची बच्चा ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा जहीन है, इस बच्ची बच्चे नू मैं दीन का इलम सिखावा ताकि दीन की आला तरीके नाल खिदमत कर सके। अल्लाह अकबर जी, कुरान मजीद अल्लाह ने नाजिल किया है और फरमाए ओ लोगों अल्लाह दे कुरान दी कदर कर, अल्लाह दे कुरान पढ़न पढ़ावन वालों दी कदर करो, और याद रखो ए ओ किताब अल्लाह दा कुरान है जेरी किताब सब तो पहले अल्लाह तिलावत कीती है, क्या तिलावत कीती है? अल्लाह ए अल्लाह दियां गल्लां, अल्लाह दी किताब है, अल्लाह दा कलाम है, अल्लाह तिलावत कीती है, वत अल्लाह ने जिब्राइल नू दसीए, ओ जिब्राइल जा जाके मेरे सोने नबी नू ए कुरान सुना। अल्लाह जिब्राइल आंदा अल्लाह दे नबी नू कुरान सुनेंदे, अल्लाह दे नबी दे दिल दे अंदर ख्याल आया कि ए कुरान दिया कोई ऐतां मेरे कोल रह ना जावन, मेरे हाफजे विच पूरियां हो सकदा ना आ सकन, कोई रह ना जावन, अल्लाह दे नबी ने जिब्राइल दे नाल नाल तिलावत शुरू कर दिती। अल्लाह पाक ने फरमाया ला ताजल बिल कुरान
सुनिया कुरान दे मामले दे अंदर जल्दी न कर तो हर एक भी लिसान का लिता जल भी इन्ना लैना जमाऊ कुरान। ओ मेरा पैगंबर जिब्राइल दे नाल नाल अपनी जबान हिलाया ना कर बल्कि कुरान पढ़िया जा रहा होवे तां सुनिया उस वक्त जबान न हिलाया करो उस कुरान नू सुनिया करो। कुरान दी तिलावत हो रही होवे तां कुरान सुनना चाहिए ना कि हुण बाहर वाले साथी भी सुनदे खले हो सन गप्पां दे नाल नाल है कुरान पढ़िया जा रहा है वो गप्पां जा रही है माशाल्लाह अल्लाह। और ये तो ने गल दसा एक किस्मत दी गल होंदी है किस्मत दी कि अल्लाह ताला अपने घर बुलावे वत अपना कुरान सुनवावे भी सही ते वत मनन दी तौफीक ही देवे एक किस्मत दी गल है। ये कहन दे नाल जिद बजिद दी जबरदस्ती बंदा नहीं कर सकता इस वास्ते। हाँ अलबत्ता इतना है कि किस्मत वास्ते भी बंदे दा प्याला सीधा होवे ना तलब वाला अल्लाह को बंदा मंगदा रहे तो तलब होवे यार मेरे को कोई कुरान दी आयत रह ना जाए कोई सुन्नत नबी रह ना जाए बंदे दी कोशिश ते तलब ते तलब होवे तो अल्लाह ताला उस वास्ते आसानियां पैदा फरमा देता है। बहरहाल कोशिश करनी चाहिए जी। तवज्जो फरमाया मेरे पैगंबर तू हरक भी लिसान का अपनी जबान मुबारक नू हरकत न दिती करो जिस वक्त कुरान पढ़िया जा रहा होवे इन्ना लैना जमाऊ कुरान। ए मेरा पैगंबर कुरान दा एक एक मोती एक एक जौहर तेरे सीने दे अंदर ढुका दे वड़ा मैं अल्लाह दा कम में परेशान ना हो। सोने आ तू सुनदा रह तेरे सीने दे अंदर पक्का करके ढुका के सजा दे वड़ा ए मैं अल्लाह दा कम में तू सा चुप करके सुन दे रह करो। इस वास्ते भाईओ कुरान मजीद दा अदब कुरान वालेयां दा अदब ए है कि जिस वक्त कुरान पढ़िया जाए ते कुरान सुनो और कुरान वालेयां दी कदर करो ए कुरान दा भी अदब ते कुरान वालेयां दा भी अदब है। अल्लाह अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके ते फरमाया लैसा मिन मुअद्दबिन इल्ला वहुवा युहिब्बु अन इल्ला वहुवा युहिब्बु अन युतिया अदबु व इन अदबिल्ला अदबल्लाहि अल्कुरान। और लोगों सुन लो अल्लाह दे नाल मोहब्बत दा हक के रे अल्लाह दे अदब दा तरीका के रे अल्लाह दी कदर ते अल्लाह दे एहतराम दा तरीका के रे सहाबा दियां नजरां सवालिया निशान दे नाल या कि अल्लाह दे नबी जी सानू पता कोई नहीं। अल्लाह दे नबी ने फरमाया व इन्ना अदबिल्लाह व इन्ना अदबल्लाही अल्कुरान। अल्लाह दा अदब है कि बंदा अल्लाह दे कुरान नू पढ़े भी सही ते समझे भी सही। अल्लाह दा एहतराम ते अल्लाह दा अदब भी इसे गल दे अंदर है कि कुरान दी कदर की जाए कुरान दा एहतराम किया जाए और कुरान वाले दा भी एहतराम किया जाए। ठीक है ना जी। अल्लाह अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा नूं कुरान सिखाते हैं और अल्लाह पाक ने जिम्मेदारी भी इया लाई आई। आ लोगो सुन लो यतलू अलैहिम आयाती मेरा नबी इो जे हस्ती है जेरा लोगों नू कुरान पढ़ पढ़ के प्या सुन दे। और सुन लो अल्लाह दे नबी ने कुरान किन सिखाया ते समझाया ते तलावत की थी है। तवज्जो दे नाल एक सहाबिया है उस आके आख्या या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे कोल कुरान सीखना चाहना। अल्लाह दे नबी ने फरमाया बैठ। वो सहाबी बैठ गया अल्लाह दे नबी ने
कुरान का एक टुकड़ा ते हिस्सा उसनु सिखाया केरा हिस्सा सूरत हज 70वां पारे दी आखिरी आयत है वजागिदू फिल्ला हक जिहादी ते आयत दा हिस्सा जिस वक्त साहबी ने सुने रुक गए ठहर गए ते आखन लगा या रसूल अल्लाह बाकी वत आके सिख सा चले आ गया अगले दिन कोई नहीं आया दूसरा दिन गुजर गया तीसरा गुजर गया हत्ता के 10 दिन गुजर गए महीना तकरीबन गुजर गया महीने बाद साहबी अल्लाह दे पाक पैगंबर दी खिदमत दे अंदर आया अल्लाह दे नबी ने उस वक्त डिठा जो उसनों ओदी हालत केरी है कि ओदे उत्ते जिस वक्त डस्ट ते मट्टी ते धूल ते गर्द आसार बाल भी बिखरे हुए ते कपड़े भी बड़े मैले कुचैले बड़ी परागंद हालत दे अंदर आया अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा फुइला बिका क्यों गया तेनू तू क्यों नहीं आंदा मेरे कोल कुरान सीखण थोड़ा जिया जुमला सीख के तू चला गया है साहबिया दा या रसूल अल्लाह तुसा जो फरमाए जेरा कुरान सीखो उस ते अमल भी करो मैं तुहाडे कोल आयत दा टुकड़ा सिखाई मेरे ईमान ने फैसला कीता पहले उस ते अमल चा करा वत वन के अगला हिस्सा तां जाके सिखड़े साहबी ने पहले अमल कीता एक महीना जिहाद कीता वता के आयत अगला हिस्सा सीखा तो भाईओ असा भी सीखते हैं कुरान हाँ असानू भी जौक होना चाहिए शौक होना चाहिए कि यार असा अल्लाह का कुरान सीखिए और अल्लाह का कुरान सीखने तो बाद उसनू अगे पहुँचाइए अल्लाह अकबर भाइयो आज दा ये प्रोग्राम भी कुरान और हदीस और मदरसे दे मुतालिक है इस वास्ते अपने दिलों दे अंदर ए पुख्ता आजम और इरादा करके जाओ कि असा हर एतबार नाल जेरा भी मुमकिन जरिया होवे उस हर एतबार नाल असा कुरान और सुन्नत नो सीखना है और उस ते अमल करना है आज सब तो ज्यादा परेशानी इसे गल दी है कि सानू कुरान का कोई नहीं पता ए कितने साथी बैठे हकीकत है इन्हों को पुछो तो क्रिकेट की टीम के खिलाड़ियों के नाम भी याद हो सन और जेरे एक्स्ट्रा प्लेयर होंगे उन्होंने भी नाम याद हो सी अच्छा फलाना वर्ल्ड कप कौन जितया केरे केरे हैं कै कितनी कै कोई बैटिंग कितने रनस बनाए कै के ओवर कराया के होया कि आउट होया एक एक हिस्टरी सानू याद है ऐरा ही नहीं अच्छा फिर उस तो बाद एक्टर ते एक्ट्रेस दे नाम उन्हां दी पूरी डिटेल ये सारिया चीज़ा याद हैं अज सानू अगर याद नहीं तो अल्लाह दा कुरान याद कोई नहीं अल्लाह अल्लाह पाक सानू कुरान दा जौक दिलाए अल्लाह पाक जौक अता करे कुरान सीखण दा और जेरे बुजुर्ग उन्होंने भी मेरी गुजारिश है रब दा वास्ता है कुरान इच अल्लाह कसम चा के आखे है वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल में मुद्दकिर ओए लोगो सुन लो कुरान नु असा बड़ा सौखा बना दिता है बड़ा आसान बना दिता है फहल में मुद्दकिर कोई है सफेद दाढ़ी वाला जवान मर्द औरत अरबी अजमी कोई है जरा कुरान सीखने की कोशिश करे कोशिश करना ओदा काम है कुरान सिखा देना अल्लाह का अपना काम है इस बात ये मुश्किल ना समझ ए कोई मुश्किल नहीं ए मदरसे दे तो लवा बैठे जरा शबो कुतुब पढ़ रहे इन्होंने को पूछो ए जिस वक्त सारना वगैरह पढ़ दे उस तो बाद सब तो आसान चीज इन्होंने केरी लगती है कुरान ते कुरान की तफसीर हकीकत है सब तो आसान बात इस नाल थोड़ी जी मुश्किल हदीस बात इस तो बाद थोड़ी जी मुश्किल और फिका बात इस तो बाद बहुत ज्यादा मुश्किल अदब क्यों मतलब इंजन है ना कुरान सब तो सौखा सानिया दूसरे दर्जे पढ़ने वाला बच्चा भी
और पूरे पारे की तफसीर पूरे साल के अंदर पढ़ता है। उसनू पता है कि मैं इसे इम्तिहान भी देना है और उसके उत्ते मेहनत भी करें, तरकीबा भी करें, तर्जमा मफहूम तफसीर तशरीह तौसीह सारिया चीज़ा वो उस समझता है पूरे साल के अंदर। और उसको पूछो भाई सब तो सौखा तेरा पीरियड केरा है, वो तो किसी और तफसीर वाला बड़ा सौखा है, हदीस वाला थोड़ा उस तो मुश्किल हो सी, वह फिका वाला उस तो ज़्यादा मुश्किल हो सी है, और फिर अदब वाला अल्लाह वो तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल ये सारे अदब हैं या जेरिया चीज़ा भी फनून वगैरह ये अगर सीखते भी हैं तो उसकी मेन मंशा यही होती है कि यार असानू कुरान और सुन्नत की समझ आ जाए। ठीक है जी, बहरहाल अल्लाह का कुरान है, इसनों सीखना चाहिए। बुजुर्गों तो मेरी गुजारिश है कि तुम साढ़े बड़े हो कुरान सीखो, कुरान सीखने कोई मुश्किल कोई नहीं, अल्लाह आप आसानियों के रास्ते खुलेंदा वेंदा होता है। ठीक है ना जी, बहरहाल कोशिश करनी चाहिए हर बंदे नो। और फिर अपनिया सारे उधर देख रहे हैं, कोई नया काम हो रहा है वहाँ है, कोई पता नहीं, सबकी तवज्जो उधर तकसीम हो रही है। यार गल ये गल तो तुम आखदा बैठा भाई कुरान और सुन्नत की कदर करो। अल्लाह तनजुरु इला मन काल वलाकिन इनजुरु इला मा काल, ए ना देख स्टेज ते कौन बोलता बैठा है, एदल ख्याल न कर, बल्कि वलाकिन उनजुरु इला मा काल, आख के रे है गल कहंदी हो रही है, एदी कदर कर रसूलुल्लाह दी। ऐसे ना कदरी दी वजह तो असा जलील हो रहा है, साडे घरां दा के हाल है, सब कुछ मौजूद है, सब कुछ साढ़े घर के अंदर आंदा है, तिलावत कुरान नहीं आती इला माशाअल्लाह चंदे घर ने आते, कुरान समझ समझाव का तो हजारों में कोई एक अद्धा घर हो जिसके अंदर इंतजाम हो। इस वास्ते अल्लाह का वास्ता कुरान की कदर करो, कुरान का एहतराम करो और अदब। अच्छा बहरहाल एक और गल भी सुन लो जरा, मैं 12 तक तो कल बोल रहे ना जी, है 10 मिनट आते जी, ठीक है समझ गया भाइयो। याद रखो कुरान मजीद का अदब एहतराम नो अस आज ये समझ ले है भाई, कुरान का अदब तो एहतराम ये है भाई इसनों चुम चट के गिलाफ लपेट के इत्र परफ्यूम ला के ते सजा के रख देना, बद घर आओ तो बद इस चुम चट के ते सुबह निकलो, है मस्जिद जाओ तो कुरान अलमारियों के अंदर पे है तो उसका के हक है, ये है कि इस चुम चट के तो रख छोड़। मैं कई बंदों डिठा हकीकत है, वो आंदे आ के कुरान नु चुमदे रख राखियां ते लाया, मत्थे ते लाया, सीने नाल लाया, वत आके रख दिता, ये समझे भी असा कुरान का अदब पै करेंदे आ। कुरान का अदब ते एहतराम ये है कि कुरान मजीद नू पढ़ो ते इसनू सीखो, इसनू समझो और पता करो कि अल्लाह दे कुरान दे अंदर अल्लाह सानू आख के रहा है। हर चीज़ सीखते हैं पर कुरान नहीं सीखते। बहरहाल मेरी मारूजात चंद ही खान जी मैं तुहाडे सामने पेश कीतियां, तुसां मुहब्बत नाल सुनियां। बहरहाल खुलासा बात भी यही है ए टू जैड कि भाई साडे दिलां दे अंदर अल्लाह दे कुरान की भी कदर होनी चाहिए है और अल्लाह दे कुरान वालियां दी भी कदर होनी चाहिए है और अपनियां सलाहियतां और बासलाहियत औलादां ते नस्लां नूं असानू चाहिए इसे कुरान वाले पासे इस्तेमाल करा, क्यों हकीकी कामयाबी इसे कुरान के अंदर है और इस कुरान छोड़न दे अंदर हकीकत दे अंदर जिल्लत ते रुसवाई है। अल्लाह पाक मैनू भी और तुहानू भी कुरान और सुन्नत दी कदर ते एहतराम करन दी तौफीक नसीब फरमा।